आम आदमी पार्टी के करवी की दो विधानसभाओं के प्रत्याशियों लिए सांसद संजय सिंह ने मऊ चित्रकूट में की जनसभा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के 237 मऊ मानिकपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अविनाश चंद्र त्रिपाठी व चित्रकूट सदर 236 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संतोषी लाल शुक्ल के पक्ष में लोकसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय सिंह ने अपने प्रत्याशियों के लिए झाड़ू में बटन दबाकर विजय बनाने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार की कमियों को बताया और जनसभा को बहुत अच्छे ढंग से देश हित की बात समझाई और सभा में आए लोगों से आम आदमी पार्टी को जिताने को कहा और कहा कि यदि हमारे विधायक जीतते हैं तो एक अच्छी सुशासन की शुरुआत होगी और सभी वर्गों के सभी लोगों को आराम और सुख मिलेगा। हम नौकरियां देंगे और बेरोजगारों को 5,000 प्रतिमाह भत्ता और महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। हमारी यह योजना दिल्ली में लागू है। अंत में सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारे प्राइमरी पाठशाला जो दिल्ली में बनी है उनको देखने के लिए अमेरिका से लोग आए और हमारे देश के लोग कहते हैं अमेरिका को देखने जाओ तो हमारा जो भी मॉडल है भ्रष्टाचार मुक्त है। देश के हित में हमारी पार्टी कार्य करेगी, इसलिए सभी लोग हमारे प्रत्याशियों का सपोर्ट करें। और बाद में संजय सिंह ने सबका अभिवादन करके झाड़ू में बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को विजय बनाने के लिए प्रेरित किया। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उत्तर प्रदेश में भी बता देना कि आम आदमी की पार्टी बदलाव की राजनीति के लिए आ गई। अविनाश चंद्र त्रिपाठी जिंदाबाद। और हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, हमने ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और हमने ऐलान किया है कि जितने भी बिजली के बिल के बकाया हैं सारे बिजली के बिल के बकाया माफ किए जाएंगे। की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, पहले तो नौजवानों को कहा 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, फिर कहने लगे नौकरी नहीं। 5 साल की सरकार हो गई बाबा जी की, 5 साल पूरे हो गए, बताने को तैयार नहीं। शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बिजली में क्या किया।